तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवो। 38 वचन। परेण सहजात्मापि या भिन्ना प्रतिभाति मे व्योमाकारं तथैवैकं ध्याता ध्यानं कथं भवेत्। बार बार ऐसा शब्द आ रहा है, परेण परब्रह्म परमात्मा के साथ जिसने अनुभव कर लिया कि मेरा सहज तादात्म्य है, सहजत सहज आत्मा भी, हाँ संयोगज नहीं है, संयोगज अलग होता है, जैसे अग्नि का लोहे से हुआ तो संयोगज तादात्म्य है, सहज तादात्म्य होता है जैसे मिट्टी का घड़े से है, उसको कहते हैं सहज। वैसे कई प्रकार का तादात्म्य का वर्णन आता है मांडुक कारिका में, वहाँ पर कई प्रकार के तादात्म्य का निरूपण आएगा। तो सहज तादात्म्य माने जिसके बगैर उसकी सत्ता हुई ना, ये अनुभव हो गया कि मेरी आत्मा, यहाँ परेण माने परब्रह्म, सहज आत्मा भी, आत्मा माने अपना स्वरूप, आत्मा ही ब्रह्म है जिसका सहज अनुभव हो गया, अभिन्न तत्व है, ऐसा अनुभूति हो गई, प्रतिभात हो गई। और फिर अनुभूत क्या हुई, व्योमाकारम तथा एव एकम, आकाश का भी अधिष्ठान, आकाश जैसा अधिष्ठान, एक स्वरूप मैं हूँ। तो ध्याता ध्यानम, ध्याता ध्येय और ध्यान, ये त्रिपुटी कैसे बनेगी, क्योंकि एक ही तत्व में हूँ। ये पूरा का पूरा प्रसंग जो टीकाकार इसमें बार बार उसको उद्धरण दे रहे हैं, जब आप लोग पढ़े होंगे तो याद आया होगा, कई जगहों पर उस आधार को ले रहे हैं कि ज्ञान की 7 भूमिकाएं मानी जाती हैं। ये टीकाकार बार बार इसको ले रहे हैं जगह जगह पर, ज्ञान की 7 भूमिका मानी जाती है। कोई बता सकता है महात्माओं को छोड़ के, तुम बताओ, योग वशिष्ठ में पढ़ी हो, योग वशिष्ठ का विषय है ज्ञान की 7 भूमिकाएं, योग वशिष्ठ का विषय। पहली स्थिति है शुभेच्छा, ज्ञान की 7 सीढ़ी मानी गई है, 7 सीढ़ी। जब हमारे भीतर इच्छा पैदा हुई कि मैं आत्मज्ञान को प्राप्त करूं, मोक्ष को प्राप्त करूं, और इसके लिए वो चल पड़ता है, तो समझो पहली सीढ़ी पर चढ़ गया, एक ज्ञान की प्रथम भूमिका मानी जाती है, क्योंकि संसार में करोड़ों लोगों में तो इच्छा ही नहीं है, तो पहली सीढ़ी मानी गई शुभेच्छा, तत्व की जानने की इच्छा, जिज्ञासु बन गया, मुमुक्षु बन गया। दूसरी सीढ़ी है फिर अब सत्संग में जा कर के विचार करने लगता है, सुविचारणा, चिंतन करता है, तो सुविचारणा, फिर हम सत्संग में जावेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ये दूसरी सीढ़ी है, क्योंकि शुभेच्छा के बाद में अगर इस पर हम नहीं चढ़े तो अगली सीढ़ी पर नहीं आए। जैसे जीना है, मान लो 7 सीढ़ी है, चढ़ोगे तो ऊपर पहुंचोगे, तो दूसरी सीढ़ी है फिर सुविचारणा, इसमें सत्संग श्रवण मनन दोनों आ जाता है, सुविचारणा के अंतर्गत श्रवण मनन दोनों आ जाएगा। शुभेच्छा, उसमें साधन चतुष्टय संपन्न आ जाता है, शुभेच्छा में जो साधन चतुष्टय संपन्न है शुभेच्छा है, श्रवण मनन वो दोनों, सुविचारणा दूसरी सीढ़ी है। उसके बाद विचार करते करते उसको अपने शरीर और संसार से ममता कम हो जाती है, हाँ तानु हो गई, तानु माने बिल्कुल एक तागे बराबर रह गई, बजरा सा रह गया, और बाकी संसार की जो आसक्तियाँ थी वो ख़त्म हो गई, जैसे कहते हैं ना कि बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, जरा सा कहीं से। तो ये तीसरी स्थिति होती है, इसका नाम होता है तनु मानस, एक तरीके से इस स्थिति को हम कहते हैं जितेंद्रिय, परम वैराग्य,
इस स्थिति में आ गया, अपनी इंद्रियों पर उसका विजय हो गया, अपने मन पर विजय हो गया। तानु मानसा, तानु मानसा, तन और मन में जरा सा संसार का एक लेस मात्र रह गया है, बाकी सब खत्म हो गया। कभी कभी एक आ जाता है, अन्यथा उसका अपना शरीर, तानु और मन दोनों उसके अपने काबू में हैं पूरा का पूरा। तो तीन, ये जो स्थिति है ये ब्रह्म ज्ञान के पहले की स्थिति है, शुभेच्छा, विचारणा और तन्मांसा, ये तीनों साधना की स्थिति है। अब ये तीनों साधक की स्थिति है, ये साधक का हो गया। इसके बाद जब वो साधना के मार्ग पर लगा रहता है तो धीरे धीरे उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो जो जरा सा लेस था शरीर और मन से, संसार से, हाँ, वो भी खत्म हो जाता है। जब वो भी समाप्त हो जाता है तो चौथी भूमिका पर आरूढ़ हो गया, उसको हम कहते असंशक्ति, असंशक्ति। अब संसार में उसका कहीं पर भी आसक्त नहीं रहा। जैसे समझ लो थोड़ा सा लेस था विदुर जी के मन में, तभी तो जंगल से फिर आए घर पे, धृतराष्ट्र को कहते हैं कि क्यों खाते हो भीम का दिया हुआ पिंड, हाँ थोड़ा सा तो था ना लेस, तभी तो उन्होंने जा कर के धृतराष्ट्र को लेकर के जंगल की तरफ समझा के ले गए, वो है तन्मांसा। और जब एक समय पर धृतराष्ट्र भी मर गए, परिवार भी मर गया और विचरण करने लगे अपने आनंद में, तो हो गई असंशक्ति, अब कहीं पर भी आसक्ति नहीं रही। ठीक से समझना चाहिए, असंशक्ति को ब्रह्म ज्ञान की भूमिका कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रह्मविद। असंशक्ति वाले को ब्रह्मविद, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, अब वो स्वरूप में चला जाएगा। इसके बाद अगर साधना करे तो भी ठीक, ना साधना करे तो भी ठीक, अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। शुरुआत वाला जो तीन में था उसमें अगर उसका शरीर छूट गया, चौथे पे नहीं पहुंचा, तो उसको फिर से संसार में योग भ्रष्ट बन करके आना पड़ता, किसी योगी के परिवार में, किसी बड़े परिवार में, हाँ वहाँ पर आना पड़ता। लेकिन तीन के ऊपर जब चौथी सीढ़ी पर चढ़ गया असंशक्ति वाले में, तो उसका पुनर्जन्म समाप्त, वो अब फिर नहीं आता, फिर यहाँ पर नहीं आवेगा। हाँ लेकिन हाँ ब्रह्मविद की स्थिति है, ब्रह्मविद की स्थिति है, लेकिन अभी उसको जगत भासित हो रहा है, जगत भासित हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जगत भासित नहीं हो रहा है, हाँ नहीं, सत्वापत्ति, हाँ चौथी भूमिका का नाम सत्वापत्ति, हाँ आवरण भंग हो गया, ये असंशक्ति पांचवी है, हाँ चौथी का नाम है सत्वापत्ति। इतना भीतर सत्व गुण आ गया कि आपके भीतर का अविद्या मिट गई, अज्ञान का पर्दा फट गया, आप ब्रह्मविद हो गए, ब्रह्मविद, हाँ अब यहाँ पर पुनर्जन्म नहीं। लेकिन इसके बाद में अगर उसने और साधना नहीं किया तो ब्रह्मविद तो हो गया, लेकिन जगत थोड़ा भासित रहता है, कभी कभी वो जगत अंतःकरण को दुख दे देता है। हाँ मैं जानता हूँ कि अंतःकरण का मैं साक्षी हूँ, मैं जानता हूँ कि अंतःकरण मेरा नहीं है, अंतःकरण केवल एक मशीन है, उसका मैं दृष्टा हूँ, इसी जगत का है, लेकिन फिर भी संसार की हानि और लाभ से अंतःकरण में थोड़ा सा सुख और दुख भासित हो जाए। जैसे संसार की परिस्थितियाँ भासित होती हैं, ऐसे अंतःकरण में सुख और दुख भी भासित होता रहता है, लेकिन मैं जानता रहता हूँ कि इसका साक्षी हूँ, इसका नाम है सत्वापत्ति। ये कह दिया कि अभी और साधना करते रहो, भासित ही क्यों हो रहा है, अभी थोड़ा कमी है, क्यों भासित हो रहा है आपका, नहीं होना चाहिए। जब पूरी तरह से परछाई समझ लिया तो भासित भी क्यों हो गए, दिखाई भी क्यों पड़े। और फिर से अगर जब साधना कोई करता रहता है तब पांचवी सीढ़ी पे आ जाता है, उसका नाम असंशक्ति। अब देखो अगली सीढ़ी पे असंशक्ति, जब असंशक्ति में आ गया तो इसको हम कहते हैं ब्रह्मविद वरियान, कहीं पर उसका आसक्ति नहीं रहा, कहीं पर किसी से उसका कोई जरा भी लगाव नहीं रहा, असंशक्ति, कहीं पर भी कोई आसक्ति नहीं। इसको ब्रह्मविद वरियान मतलब ब्रह्मविद से ऊपर।
अब ऐसा जो महापुरुष होता है उसके हृदय में सुख दुख नहीं होता, सुख दुख से परे हो गया, लेकिन उसके चित्त में इतनी प्रतीत होती है कि हाँ भले कल्पित सही झूठा सही लेकिन जगत है, कोई आया प्रणाम कर रहा है। लगभग ये जो सत्वापत्ति और असंशक्ति वाले हैं ये दो ही हमको उपदेश करते हैं, ये दो गुरु की भूमिका होते हैं, ये दो गुरु की भूमिका होते हैं, दोनों की, सत्तापत्ति की और असंशक्ति, यही दो हमारे लिए कल्याणकारी हैं। लेकिन अब सत्वापत्ति वाले के भीतर अंतःकरण में कभी सुख भी आ जाता है, भाषित हो रहा है, वो जानते हैं कि इसको हम कहते हैं बाधित, बाधित है लेकिन भाषित होता है। वहीं पर आदमी सोच लेता है, जो श्रोता होते हैं, गुरु जी भी तो खाते हैं, गुरु जी भी तो सोते हैं, गुरु जी भी तो डांटते हैं, फर्क क्या हुआ? ये सत्वापत्ति वाले में, असंशक्ति वाले में गड़बड़ हो जाता है, ये दो स्थिति, लेकिन गुरु की भूमिका में यही तो होते हैं। इसके आगे जो भूमिका होती है वो गुरु नहीं होते, क्योंकि उनको छठी स्थिति का नाम है पदार्थाभावनी, पदार्थ का अभाव हो जाता है, कौन आया कौन गया, किसने प्रणाम किया, किसने कोई प्रश्न पूछा, सबका अभाव, पदार्था ऐसे महापुरुषों को कभी सुना होगा, कोई खिलावे तो खा लेते हैं, हाँ कोई नहला दिया तो नहा लिया, नहीं पड़े हुए हैं अपनी मस्ती में, पदार्थ अभाव नहीं, पदार्थ का अभाव, ये गुरु के रूप में भी नहीं होते, ये ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, हाँ इनको हम कहते हैं ब्रह्मविद वरिष्ठ, ये साक्षात ब्रह्मस्वरूप हैं बिल्कुल, लेकिन अब ये हमारे काम के नहीं, क्योंकि उपदेश इनका, हमको उपदेश देने के लिए गुरु शिष्य का भेद होना चाहिए, शिष्य अज्ञानी है हमको दिखाई पड़ना चाहिए, हाय हाय शिष्य बेचारा दुखी है, अर्जुन रो रहा है, तब तो उपदेश करेंगे, जो पदार्थाभावनी वाला होगा उसको तो रोना गाना दिखाई ही नहीं पड़ रहा। मान लो जैसे बर्बरी की स्थिति, बर्बर की स्थिति और भगवान कृष्ण क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये आदमी देखो रो रहा है, गांडीव पकड़ नहीं पा रहा है, इसको उपदेश देना चाहिए, ये है हमको जब उपदेश करना होगा तो असंशक्ति और सत्वापत्ति की भूमिका में ही आकर के उपदेश हो, पदार्थाभावनी की भूमिका में उपदेश, क्योंकि वहाँ पदार्थ का, और इसी भावना में जा करके एक अवधूत गीता है लगभग पदार्थाभावनी की, गुरु नहीं, हाँ न वेदा न लोका न सुरा न यज्ञ, हाँ पढ़ा था अभी कल ही ना, न लोक है न वेद है न यज्ञ है न सुर है देवता है कुछ भी नहीं, ये पदार्थाभावनी की स्थिति में ये अवधूत वाले कोई न कोई विरल ऐसा होता है, और जो होते हैं वो बस हमारे परम श्रद्धा के रूप हैं, हम उनको प्रणाम करेंगे, उनके शरीर की सेवा कर देंगे, बस इतना है कि हमारी अविद्या का नाश उनसे नहीं होता, उनको भाषित भी नहीं होता, उनको भाषित भी नहीं होता, एक महात्मा थे, अखंड महाराज अखंडानंद जी अपने यहाँ हरिद्वार में भी, अखंडानंद महाराज भी एक लिखते हैं, उन्होंने बताया कि एक संत का दर्शन किए, वो एक गांव में पेड़ के नीचे 25 साल एक ही गांव में पेड़ के नीचे बिता दिए, खटिया पर पड़े रहते, जो कोई खिला देता तो खा लेते, कोई नहीं खिलाता तो नहीं खाते, उस पुस्तक का नाम साधना और ब्रह्मानुभूति, वो पुस्तक उनकी लिखी हुई है अखंडानंद महाराज जी, वो लिखा हुआ है उनका, नहीं तो लिखा नहीं करते, तो उनके प्रवचन ही सारे संकलन हैं लगभग, हाँ बहुत सारे लोग नहीं लिखे, गुरुदेव बहुत लिखे थे लेकिन अखंडानंद महाराज ये लोग लिखे नहीं, उड़िया बाबा महाराज इनका सब प्रवचन ही, रामकृष्ण परमहंस इनके सब प्रवचन ही संकलित हैं, साधना और ब्रह्मानुभूति, हाँ अच्छा आउट ऑफ प्रिंट हो गई है, फिर से रीप्रिंट होगी तब उपलब्ध होगी, पदार्था भावनी में उपदेश नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस रसगुल्ला के बड़े शौकीन थे, हाँ ये उनका पढ़ना, बैठे सत्संग कर रहे हैं और अंदर रसगुल्ले की सुगंध आई तो सत्संग छोड़ के रसोई में चले जाते थे, क्या बना रही है? तो शारदा माँ कभी कभी कहती थी, ठाकुर क्या करते हो, लोग बैठे हैं कहेंगे देखो ये इनको ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, रसगुल्ला के पीछे पदार्था भावनी जिसमें किसी भी चीज़ का अभाव हो जाता है, दिखाइए नहीं पड़ेगा,
दिखाई ही नहीं पड़ेगा वो हमारा, क्योंकि क्योंकि अंतःकरण से वो अलग अपने स्वरूप को समझ रहे हैं। हाँ, अब अगर उनसे कुछ समझना है, सुनना है, तो सारा सारा शास्त्र का ज्ञान तो अंतःकरण में होगा ना, बुद्धि में होगा। उनकी अनुभूति तो अंतःकरण के परे अपने आत्मा में है, पदार्थाभावनी उस परम तत्व में परिण वहाँ पर हैं। तो उनके अंतःकरण में जो सुप्त हो गया है चित्त, अंतःकरण मन बुद्धि, उसको जगाना पड़ेगा। तो उनके अंतःकरण में जो कोई पुरानी वासना का लेस पड़ा, उसको कहते हैं वासना लेस, उस वासना के लेस को जगाना पड़ेगा। उस वासना का लेस जगा दोगे, अंतःकरण जग जाएगा। अंतःकरण जग जाएगा तो वो अपनी उस भूमिका से थोड़ा सा नीचे आ गए, तो अब आ गए, अब शुरू हो जाओ। लेकिन जैसे हम रोज रोज सुषुप्ति में जाते हैं, क्योंकि वहाँ का अपना आनंद इतना है, अभी उपनिषद से सुन ले, तो वैसे अब वो अंतःकरण में आया तो जगा तो अंतःकरण, उसके साथ बैठ के बातें तो करने लगे, चर्चा तो करने लगे, लेकिन वो अपने स्वरूप का इतना आनंद है कि उसमें ज़्यादा देर रह नहीं पाते, फिर से उसमें धीरे से, जैसे हम रोज रोज सुषुप्ति में हैं, वो आधे घंटे बात करने में, तुमको समझाने में उनका अंतःकरण थक गए, पागल हैं, चल चल अंदर, वो वाली स्थिति। जैसे आप जरा सा काम किए लेट लिए, जरा सा काम किए सो लिए, वो है पदार्थाभावनी की स्थिति। हाँ, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप माने जाते हैं ऐसे महापुरुष लोग, ऐसे महापुरुष ब्रह्म स्वरूप लोग। और अंतिम सातवीं भूमिका मानी जाती है तुरीयावस्था, बड़ा नाम सुना होगा इसका, तुरीयगा, इसका पूरा नाम है तुरीयगा। तुरी अवस्था में चले गए, जब तुरी अवस्था में चले गए तो दो चार महीने से ज़्यादा दिन शरीर नहीं झेल पाता, क्योंकि कोई मुंह में डाले तो मुंह चलाना तो पड़ेगा ना। अगर मुंह में रोटी भी डाला किसी ने तो हमको मुंह तो चलाना पड़ेगा, तब तो रोटी अंदर जावेगी। याद है अन्न को ले जाने वाला कौन, जल। हाँ, तो चलाना तो पड़ेगा। अब मुंह चलावे भी क्यों, शरीर से उनका कोई ही मुंह क्यों चलावे। तो तुरी अवस्था में ज़्यादा दिन रहते नहीं, ज़्यादा दिन शरीर नहीं रहता। तो ये ब्रह्मविद वरिष्ठ की श्रेणी में आते हैं पदार्थाभावनी और तुरीयगा की अवस्था है। तो ऐसा, तो ये जो प्रारंभ की तीन अवस्था वाली होती है, शुभेच्छा, विचारणा, तन्मांसा, ये साधक की स्थिति है। सत्वापत्ति और असंशक्ति, ये ब्रह्मविद हैं, ये गुरु हैं, संत हैं। और जो पदार्थाभावनी है वो असंशक्ति, क्या हो गया बोल गए, सत्वापत्ति और असंशक्ति, ये ब्रह्मविद हो गए, ये संत और गुरु की भूमिका हो गए। जो पदार्थाभावनी हो गया वो ब्रह्मविद वरीयान। अच्छा अच्छा, सत्वापत्ति ब्रह्मविद हो गए, उसमें योग वशिष्ठ में देख लेना, योग वशिष्ठ के प्रसंग में आता है मुमुक्षु प्रकरण में। तो ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वरीयान और ब्रह्मविद वरिष्ठ, ऐसा भेद किया। तो अंत में जो दोनों स्थिति आती है पदार्थाभावनी और तुरीयगा, वो ब्रह्मविद वरिष्ठ में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर जितना ये अवधूत गीता में प्रसंग आता है, पूरा का पूरा यहाँ पर जितना उपदेश है, ये सब का सब उपदेश लगभग पदार्थाभावनी के स्तर पे आ रहा है, असंशक्ति और पदार्थाभावनी, सत्वापत्ति के स्तर पर नहीं। असंशक्ति और पदार्थाभावनी के आधार पर ये पूरा का पूरा उपदेश है। उस स्थिति में जो है वो अपनी स्थिति से निरूपण करता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, मेरा ऐसा स्वरूप है, मेरे अलावा इस जगत में कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है। कौन किसका ध्यान करे, क्योंकि ध्यान करने के लिए ध्येय अलग होगा ना तब तो। और मैंने जो अनुभव कर लिया कि मैं ही आत्मा हूँ, वही परब्रह्म है, तो मैं ध्यान किसका करूँ, मैं वंदना किसके करूँ, अपने स्वरूप में निष्ठ हो गए। ये लगभग पदार्थाभावनी की स्थिति के निरूपण है, लगभग। हाँ, असंशक्ति और पदार्थाभाव, क्योंकि तुरीयगा का निरूपण है नहीं, तुरीयगा की स्थिति में कोई निरूपण हो नहीं सकता। सत्वापत्ति में हमको साधन का उपदेश मिलेगा, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये लगभग असंशक्ति और पदार्थाभाव। यत् करोमि यदस्नामि,
यज्जुहोमि ददामि यत् यज्जुहोमि ददामि यत् एतत् सर्वं न मे किञ्चित् एतत् सर्वं न मे किञ्चित् विशुद्धोऽहम् अजो अव्ययः विशुद्धोऽहम् अजो अव्ययः। अब आप समझोगे तो श्रीमद् भगवद गीता से थोड़ा एक पायदान ही ऊँचे जा रही है, एक पायदान कह लो ये ऊँच जा रही है, क्योंकि भगवद गीता हमारे लिए साधन का उपाय बताती है, आपको ऐसा करना चाहिए, है ना, ऐसा एक उपाय बताती है और सत्वापत्ति की स्थिति में है। लेकिन ये गीता एक एक कदम ऊपर है। कैसे है, उसमें जो श्लोक है यत् करोषि यद अस्नासि यज्जुहोषि ददास्यत्, ये देखो उपदेश हो गया, यत् करोषि जो करते हो, यद अस्नासि जो खाते हो, यज्जुहोषि जो त्याग करते हो, वो सब कुरुष्व मदर्पणम्। हाँ, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो साधना करते हो, जो करते हो, सब मुझको अर्पित करके, ठीक है ना, वहाँ पर ये है। यहाँ पर क्या है, एतत् सर्वम न मे, भाई पहले हमको चश्मा मेरा है ये मानना पड़ेगा, चश्मा मेरा है, तब हम कहेंगे कि मैं इस चश्मे का तुमको दान करता हूँ। अर्पण करने के लिए पहले उसको अपना मानना पड़ेगा, पहले स्वाधिकार की स्वीकृति, स्वाधिकार की स्वीकृति, तब हम करते हैं अर्पण। अभी हम क्या कहते हैं, मैं आँख से देखता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ, मैं वाणी से बोलता हूँ, मैं करता हूँ, तब भगवान कहेंगे कोई बात नहीं, तुम करते हो ना, तो जो करते हो सब हमको अर्पण करके करो। देखो ये साधना हो गई, मतलब अभी कर्ता भाव है, उस कर्ता भाव को हमने भगवान के साथ जोड़ा। यहाँ पर एक सीढ़ी आगे आ गई ना, यत् करोमि यद् अस्नामि यज्जुहोमि, ये अपने अपने लिए हो गया। हाँ, जो कुछ करते हैं, एतत् सर्वम् न मे किंचित्, ये सब कुछ मेरा है ही नहीं, कौन करता है, मैं हूँ ही नहीं, तुम करने वाला को, अरे मैं ही नहीं हूँ, और फिर कहते हो कि करने वाले आप अर्पण करो, क्यों, वो कौन, विशुद्धो अहम। हाँ, मुझ में तो करने का कोई करने की मशीन ही नहीं है। हाँ, भाई करने की मशीन होती तो मैं करता, इंद्रिय ही मेरी नहीं है तो क्या करूँगा। अजो अहम अव्यय, हम अज हैं, अजन्मा हैं, अव्यय स्वरूप हैं, इसलिए ए तत् सर्वम न मे किंचित, ये सब कुछ मेरा है। सर्वं जगद्वेद निराकृतिदं सर्वं जगद्वेद निराकृतिदं सर्वं जगद्वेद विकारहीनं सर्वं जगद्वेद विकारहीनं सर्वं जगद्वेद विशुद्धदेहं सर्वं जगद्वेद विशुद्धदेहं सर्वं जगद्वेद्धि शिवैकरूपम् सर्वं जगद्वेद्धि शिवैकरूपम् सर्वं जगत विद्धि, ये अपने शिष्य को कह रहे हैं अवधूत महाराज, ऐसा जान तू, कहा क्या जानता रहता है तू, ये पेड़ है, ये कटहल है, आम है, आम में भी भेद, आम में भेद, हाँ कौन सा सजाती भेद, हाँ ए ए अल्फांसो है कि ए आम्रपाली है कि ये दशहरी है कि ये तोतापरी है, कितने तरह के आम होते हैं, हाँ उसमें भी क्या जान रहे होते हैं, ये जानते हो, एक ही पेड़ में 105 हाँ तो गिनीज बुक में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया, तू अपनी रिसर्च करता रहा, यही जानेंगे हम, क्या जानना, बोले सर्वम जगत विद्धि निराकृतम, ये सारा का सारा जगत आकार रहित है, साकारम अनृतम, जितनी साकार चीजें हैं सब झूठी है, जितना नाम रूप दिखाई पड़ रहा है सब का सब निराकृतम, सब का सब किनारे कर दिया, केवल निराकार स्वरूप ही सत्य है, अपना आत्मस्वरूप ही सत्य है,
मिट्टी का कोई आकार नहीं, घड़े की आकृति है, स्वर्ण का कोई आकार नहीं, आभूषण का आकार है, निराकृतम। सर्वम जगत विद्धि विकारहीनम, अगर तुमने अपनी आत्मा को सारे जगत का आधार समझ लिया तो ऐसा समझो विकारहीनम, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं, क्योंकि वो एक है, अद्वैत है अपना आत्मा। जब पहले आकार वाला समझो फिर उसमें विकार हो, पहले आकार फिर उसका हुआ, हाँ नहीं जी ऐसा कैसे, पहले आकार फिर प्रकार फिर विकार, हाँ फिर संस्कार, उसका अंत में पड़ जाएगा संस्कार, हाय हाय मेरा घड़ा टूट गया। हाँ पहले आकार कुम्हार ने बनाया, आकार बना, फिर उस आकार को पीट पीट के इतना सा बनाया था, इतना बड़ा किया, प्रकार हो गया, फिर उसके बाद में उसने उसको संस्कारित संस्कारित कर दिया, हम घर ले आए और बच्चे ने डंडे से मार दिया तो हो गया विकार। अब जब विकार हो गया तो यशोदा मैया दौड़ पड़ती, अभी तुझको बताती हूँ मेरी ददिया जमाने की मटकी फोड़ी, और आज तक हम लोग कहानी पढ़ते रहते, क्यों संस्कार पड़ गया भीतर, हाँ कि यशोदा मैया ने एक दही का मटका फोड़ने पर इतना गुस्साई कि लाला को खम्भे उखल से, याद आया ना क्यों पढ़ते रहते हो, बोले संस्कार पड़ गए, आकार प्रकार फिर विकार। वाह वाह क्या बढ़िया बात है, कटबैठी जम गई है ना, सेटिंग सही है कि नहीं, बिल्कुल। तो सर्वम जगत विद्धि विकारहीनम, जो अपना आत्मा है उसमें कोई आकार विकार प्रकार नहीं है, ऐसा अपना। सर्वम जगत विद्धि विशुद्ध देहम, सारे जगत को समझना, जैसे मैंने अपने आप को समझ लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अंतःकरण, जैसे अपने आप को समझा ऐसे सारे जगत को समझो फिर। हाँ ये नहीं, वो दोनों अज्ञानी हैं, कौन दोनों अज्ञानी, जो जगत को झूठा समझे देह को समझे सत्य, वो भी अज्ञानी, जो शरीर को झूठा समझे और सारे जगत को सत्य समझे वो भी अज्ञानी। हाँ मैं समझ गया ये शरीर झूठा है, लेकिन जो उसने गाली दिया था ना उसको छोड़ूंगा नहीं, हाँ, मतलब क्या, आप दूसरे को कर्ता समझ रहे हो ना, दूसरा कर्ता है तो वो भी आप अज्ञान है, और ये शरीर करता है तो उभौ तो न बिजानी तो ना यम हंति ना अनते। हाँ सर्वम जगत विद्धि विशुद्ध देह, किसी का कोई देह नहीं है, स्वस्वरूप में निष्ठा हो जाए। सर्वम जगत विद्धि शिवैक रूपम, केवल सारा का सारा जगत एक परमात्मा का स्वरूप है। कैसे, जैसे समुद्र के किनारे खड़े हो गए हम, तमाम तरह की लहरें दिखाई पड़ी, अरे कभी कभी 10-10 मीटर ऊंची लहर उठती है, 20-20 मीटर ऊंची ऊंची लहरें, ज़्यादा ऊंची हो जाए तो सुनामी उसका नाम पड़ जाएगा, हाँ उसकी ऊंची ऊंची लहर, कभी छोटी लहर आई, बड़ी लहर आई, और बड़ी लहर आई, हाँ फेन आया, बुदबुदा आया, झाग आया, सब में केवल जल मात्र है। मैंने अनुभव करके समझ लिया कि केवल जल ही मात्र है, चाहे छोटी लहर हो चाहे बड़ी लहर हो, चाहे झाग हो चाहे फेन हो, सब में केवल जल ही जल है, एक कई रूप विशुद्ध एक कई रूपम, बस एक ही तत्व है। हाँ तत्वम त्वम ही न संदेह, किम जानाम्यथ वा पुनः, असंवेद्यम स्वसंवेद्यम, आत्मानं मन्यसे कथम्, माया माया कथम् तात, छाया छाया न विद्यते, तत्त्वमेकमिदं सर्वम्, व्योमाकारं निरञ्जनम्, त्वं तत्त्वं न संदेहः, ऐसे से तुम तत्व स्वरूप हो, कोई संदेह का नहीं, कुछ नहीं, संशय मत करना, तुम तत्व स्वरूप हो, वही स्वरूप हो। अच्छा जानूंगा आत्मा को,
आत्मा को जानूंगा। क्या जानोगे? तुम्हारे लिए एक प्रश्न छोड़ा, कौन सा था कि जब कभी सिद्ध हो जाएंगे तो क्या अनुभव होगा, याद है ना? गुम हो जाएगा वो। हाँ, गुम हो जाएगा। नहीं, क्या होगा वो उपनिषद में? ये तो यक्ष प्रश्न है, 5 साल पुराना प्रश्न है, ताजा थोड़े है। वो सुई वहीं अटकी है, अभी तक अटकी है। हमारे 2 महापुरुष का, एक डॉक्टर अनिल अग्रवाल मेरठ के, उनका 7 साल 8 साल पुराना प्रश्न है। पैदा क्यों हुए? नहीं, भगवान ने दुनिया बनाई क्यों? सृष्टि क्यों बनी? हम समझा के बस वही कह रहा हूँ, ये तर्क दे के, ये युक्ति दे करके, जितनी मेरी अकल है पूरी लगा के। हाँ, वो सबसे यहाँ के तेजो मैनर जी आए थे तो उनको स्लिप में भी यही लिखा था, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई। तो उनका जो है केवल एक प्रश्न है, सबसे पूछते। और जितनी तरीके से कोई समझा सकता है, मैं बता रहा हूँ, 7 साल से मैं समझा रहा हूँ, वो समझ जाते हैं, चले जाते हैं घर पे, फिर वो प्रश्न आके बैठ जाता है, जैसे वो मेहमान छुप जाता है और फिर से आ जाता है ना, अतिथि तुम कब जाओगे? वो प्रश्न जो है बिल्कुल अतिथि के जैसे उनके मन में बैठा हुआ है। ऐसे तुम्हारे मन का प्रश्न है, जब बैठेंगे तो क्या अनुभव होगा? कुछ तो मेरा थोड़ा हल हो गया। हल हो गया? थोड़ा है। हाँ, फिर आ जाएगा। नहीं, ये वो सांप का फन चला गया है, थोड़ी पूछ रह गई सांप की, है ना? अब से यही बात है ना, सांप का फन चला गया है, कि जाएगा तो पूरा जाएगा। एक एक साथ नहीं है ये। हाय हाय, क्या बात, क्या बात है, आप लोग जो है तत्त्वम त्वमिन संदेह किम जानामि यथ वा पुनः, क्या जानने की कोशिश करता है तू? क्या जानने की, किम जानामि, जानूंगा, क्या जान रहा है तू? जानामि माने वर्तमान काल में, मैं जान रहा हूँ, जान गया। गुरुजन डांटा, क्या जान रहा है तू? जानने के लिए बुद्धि चाहिए ना, बुद्धि अलग तो बुद्धि विषयीकृत करेगा जाके, वृत्ति व्याप्ति तब तो जानेगा ना, क्या जान रहा है? वो तेरा स्वरूप है, वहाँ जानने की क्रिया नहीं होती। किम जाना, स्वसंवेद्यम, स्वसंवेद्यम, अपना आत्मा ना स्वसंवेद है ना असंवेद्य है। लगभग हम लोग इसको चर्चा में, पंचदशी में और जगहों पर हम लोग बार बार कहेंगे, आत्मा स्वसंवेद्य है, आत्मा स्वसंवेद्य है। आपका उत्तर आ गया 100%। हाँ, पूछ कहीं नहीं बची। हाँ, तो फिर तो भी ना असंवेद्य है ना स्वसंवेद्य है। जब एक ही है तो कौन किसको जानेगा? फिर श्रुति का वो मंत्र, तत्र केन कम बिजानियात, तत्र केन कम पश्येत, वहाँ कौन किसको देखे, कौन किसको जाने, तो ऐसा लगेगा क्या? अपना स्वरूप ही है। असंवेद्यम स्वसंवेद्य, ये भेद बनाया जाता है साधना के लिए कि आत्मा स्वसंवेद्य है माने ईंट नहीं है, क्योंकि ईंट पर संवेद्य है, ईंट को रोशनी चाहिए तब कोई देखेगा, दीवाल को कोई रोशनी होगी तो मुझको दिखाई पड़ेगी, रोशनी नहीं होगी तो हमको नहीं। तो दीवाल है पर संवेद्य और हमारा ये मन है स्वसंवेद्य, क्योंकि मन में सुख आया और मैंने जान लिया, हमको किसी बाहर से लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी, मन में प्रसन्नता हुई मैंने जान लिया, तो मन है स्वसंवेद्य और संसार है पर संवेद्य। अरे आत्मा बोले ना स्वसंवेद, ना पर संवेद, ना असंवेद, ये भी नहीं कह सकते ठीक है आज मैंने अपने आप को नहीं जाना, असंवेद, असंवेद माने हाँ आज मैं भूल गया, मैं कौन हूँ जी बताओ तो, हाँ मैं कौन हूँ? अरे कम से कम जो जिस फिल्मों में होता है, एक चोट लगी और याददाश्त तो चली गई, वैसे होता हुआ था नहीं जल्दी। हाँ, और तो पूछता है मैं कहाँ हूँ,
हाँ यही कहेगा ना। हाँ तो हम कह दें उसका कहाँ तू काट दे, हाँ बीज गणित में ऊपर नीचे कहाँ को काट दे, तो क्या मैं हूँ, उसको अनुभव हो रहा है ना, मैं तो हूँ, कहाँ की बात जाने दे, घर में है कि अस्पताल में है कि अपनों के बीच में परा नहीं, कहाँ बहुत बोल जा, मैं हूँ, वो क्या असंवेद्य है, क्या उसको किसी बुद्धि रूपी लालटेन की जरूरत है, बोले नहीं, आत्मा ना असंवेद्य है ना पर संवेद्य है ना स्वसंवेद्य है, वो बस अस्ति मात्र, केवल मैं हूँ बस। हाँ माया अमाया छाया अछाया, क्या बच्चों की बात करते हो, ओ अपना स्वरूप ऐसा जहाँ छाया माया कुछ भी नहीं, यहीं से महात्मा लोग कहते हैं कोई छाया माया नहीं, याद रखना है पदार्था भावनी वाला बोल रहा है, अब आप शुभेच्छे वाला ना शुरू कर देना, हाँ कि नहीं कोई माया छाया नहीं, अरे भाई आप समझो वो जो रस्सी पर चल रहा है सर्कस में वो सालों अभ्यास करता है तब चल पाता है, हाँ और सालों अभ्यास करने के बाद भी जब शो खत्म हो जाता है तो उनका रिहर्सल होता है, रोज़ करते हैं प्रैक्टिस, हाँ रोज़ करते हैं समय समय, हाँ तब वो आज रस्सी पे चल रहा है, आप कहो कि हाँ वो रस्सी पे चल रहा है तो मैं भी चलता हूँ, चलो चलाओ मज़ा आ जाओ भैया। एक आदमी हमने देखा मोटरसाइकिल चला रहा है और मोटरसाइकिल चलाते समय उसने दोनों हैंडल छोड़ दिया और दोनों हैंडल छोड़ करके मोटरसाइकिल जा रही, भैया मैं दूर से किनारे हो गया तो मैंने देखा था सड़क पर, वो तो राम जाने वो तो, हाँ तो जो मैंने सड़क पर देखा मैंने कहा ये पागल है हमको भी ले जाओ, मैं अपना किनारे खड़ा हो गया। अब अगर उसको देख के मैं भी मोटरसाइकिल का हैंडल छोड़ दूँ तो सीधे राम नाम सत्य, उसका सालों का अभ्यास होगा, बरसों की उसकी साधना होगी तब वो कर रहा है ना, मेरे बस में ऐसा नहीं। तो ये जो महापुरुष का पदार्था भावनी और उस स्थिति की बात है तो ये समझना कि ना माया ना छाया तो क्या है, तत्त्वम एकम इदम सर्वम, केवल एक तत्व स्वरूप है वही सर्व का अधिष्ठान है, आदि मध्यांत मुक्तो हम, आदि मध्यांत मुक्तो हम, न बद्धो हम कदाचन, न बद्धो हम कदाचन, स्वभाव निर्मला शुद्धा, स्वभाव निर्मला शुद्धा, इति मे निश्चिता मति, इति मे निश्चिता मति। अभिषेक का प्रश्न आ गया, अभी अभी पूछा था काले के सवेरे, आदि मध्य अंत तीनों कालों में मैं मुक्त हूँ, हाँ यही पूछा था क्या कार्य का ठीक से बोलो ना गलत, हाँ आद्या नहीं है तो तुम आद्या बोल रहे हो, आद्य माने आज हो जाएगा अभी हो जाएगा, आदावंते आदावंते माने वहाँ पर है आदव धन अंते, दोनों को जोड़ दिया आदव धन अंते जोड़ दिया तो हो गया आदावंते, वहाँ पर वा आ गया, हाँ हाँ क्या है, हाँ कौन सा सूत्र लगा, आदावंते आदव धन अंते, हाँ एचो यावा यावा याद आया, ये सूत्र लगा संस्कृत भाषा का, सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो वहाँ आदावंते आद्या नहीं है, तुम भी आद्य बोले थे हमको अभी भी याद है, तुम भी आद्य बोले थे, आद्या नहीं आदा दा है वहाँ पर, आदावंते चयत नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा, तो वहाँ आदि मध्य अंत तीनों कालों में मैं मुक्त ही हूँ, आदि मध्यांत मुक्त हूँ, अरे बंधन ना बद्धो हम कदाचन, कभी मैं बद्ध हुए ही नहीं, नहीं नहीं फिर सारी कोशिश काय के लिए किए थे, बंधे तो थे, बोले हाँ ये जो बंधे का भ्रम था उसको मिटाने की कोशिश किया था, फिर वही गधे वाला दृष्टांत याद कर लो, हाँ तुरंत गधे वाला, वो बंधा नहीं है
लेकिन बंधने का उसका भ्रम है। और जब विद्या प्राप्त हुई तो भ्रम मिट गया और आप आदि मध्य अंत पहले भी मुक्त हो, अभी भी मुक्त हो, आगे भी मुक्त रहोगे। बंधन का भ्रम आ गया भीतर। हाँ महाराज, ये भ्रम भीतर आ जाए ना तो आदमी कुछ का कुछ कर सकता है। ये भ्रम इसको मनोविज्ञान में इसको स्वीकार किया पूरी तरह से। मनोविज्ञान ने स्वीकार किया कि मन जैसा स्वीकार कर लेगा वैसे आप व्यवहार करने लगोगे। जैसा मन स्वीकार कर लेगा उसकी गहनता की बात अलग, कितना उसको तीव्रता से लेते हो। हाँ, इस मनोविज्ञान पर एक पिक्चर बनी थी। हाँ, वो बंगाल की जो है नाचना गाना शुरू करती थी। हाँ, भूल भुलैया, क्या वो नहीं देखा तुम लोगों ने? क्या हाँ, कब की है? उसका नाम भूल भुलैया। सन 45 की है कि सन उसमें वो किसी पुराने की कपड़े पहन करके, वैसे आभूषण पहन करके नाचती गाती है। धीरे धीरे मान लिया कि मैं वही हूँ। याद है ना, बच्चे लोग तो देखे होंगे पक्का। मैं हाँ, बच्चे लोग ना देखे मैं मान नहीं सकता। और ऐसा वो व्यवहार करने लगती है। हाँ तुम तो ज़रूर देखोगे, ये सब जानते हैं, सब देखें, बोल नहीं रहे हैं स्वामी जी को कौन। हाँ हाँ, तुम और ना देखो। हमने देखी। अरे जाओ, हमने नहीं देखी। हाँ नहीं देखी, नहीं देखी। हाँ, उसमें अंत में सारा जादू टोना होता है और पूरा उसको तलवार से वो मारती है, तब उसके मन का भय मिट जाता है, हमने मार दिया। और फिर वो वहाँ पर साइंस और आपका झाड़ फूक दोनों को एक साथ में जोड़ा हुआ है। आप चाहो भी हो वे, मुझको नहीं पता, मुझको भूल भुलैया पता है। तो अब देखो, मन ने मान लिया ना उसको। मन ने मान लिया कि मैं वही हूँ, धीरे धीरे वैसा व्यवहार करने लगता है। ऐसे हमारे मन ने मान लिया कि मैं बंधन में हूँ, मन ने स्वीकार कर लिया। और कब, न जाने कितने जन्मों से, 84 लाख हमने मान लिया कि मैं जीव हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं बद्ध हूँ। जब मान लिया तो उसकी दवाई भी मानने। आपस में समसत्ता जिनकी, लगी साधक बाधक था विचार सागर। आपस में समसत्ता जिनकी, लगी साथ। फिर आपको उसी तरीके की दवाई भी करनी पड़ेगी, उसी तरीके की दवाई। हमको एक डॉक्टर ने बताया, हमारे परिचित डॉक्टर ने कहा, स्वामी जी बहुत सारी बीमारियां तो मन की होती, मानी हुई, बिल्कुल मन की बात। और उन्होंने बताया हमारे नर्सिंग होम की नर्स बेहोश हो गई, कैसे दिन उसको दौरा पड़ा और बेहोश हो गई। वो कुछ खाई पी कम रही होगी या गर्मी वर्मी लगी होगी। और फिर उसको जब लिटा करके ले आए और उसको रूम में लिटाया, प्राइवेट रूम में, और मुझको ही बुलाया गया। वो डॉक्टर ने कहा कि मुझको ही बुलाया गया। मैं गया तो उसको देखा तो सब ठीक था, उसका फेफड़ा ठीक, लंग्स ठीक, उसका सब कुछ ठीक था, बेहोश जैसी थी। तो हमने उसको फिर जो और नर्सेस थे उन सब से कोई एक बीमारी का नाम लिया झूठ मूठ के, किसको अमुक अमुक मीनिया हो गया, वो वाला इंजेक्शन लाओ जो अलग से डीप फ्रीजर में रखा हुआ, डीप फ्रीजर वहाँ पर रखा हुआ है, वो वाला इंजेक्शन लाओ 400 रुपये वाला। और वो इंजेक्शन लाया और उसके सामने उसको जो है इंजेक्शन में भरा, इतना महंगा है, अभी देखो अभी ठीक हो जाती, अभी ठीक हो जाती है। और वो इंजेक्शन लगाया और तो अभी इस हाल में जो नई बात अपने हिंदुस्तान में एक मुसीबत की बात क्या है कि लगभग जो हमारे यहाँ की मेडिकल संस्थाएं हैं वो कहते हैं मनुष्य के, हम लोगों के शरीर वालों के जीवन के लिए लगभग 117 दवाएं ही काफ़ी हैं। 117 दवाएं लगभग हमारे हर बीमारी के लिए। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 245 के लगभग माना,
कि आदमी के जितनी तरह की बीमारियां होती हैं उनके लिए 245 तरह की दवाई, 245 दवाई ही ठीक है। और हिंदुस्तान में 84,000 दवाएं बिक रही हैं, 84,000। अब कल्पना कर सकते हो, WHO कह रहा है 250 लगभग दवाएं काफ़ी हैं। सबसे बड़ा लूट तंत्र है। और अब वो हमारा जो है, हमारे वो दवाइयां बनवाने वाले बताते हैं 84,000 फार्मूला बिक रहे हैं हमारी दुकानों पर। ऐसे ऐसे फार्मूले बिक रहे हैं दुकानों पर जो खाने की, शरीर को खिलाने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती दवाई खाते हैं और फिर नई नई बीमारी हम पैदा करते। तो बहुत बार झूठ मूठ के केवल ऐसी दवाई खा रहे हैं जिसका कुछ नहीं, केवल उसमें साल्ट है, और आदमी को लगता है हाँ बड़ी बढ़िया दवाई खाए, अब उसी दवाई से मैं ठीक हो गया। हाँ सर्दी जुकाम तो अपने आप ही 7-6 दिन में ठीक हो जाएगा, 6 दिन तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, और वो अगर हो गया तो आपके शरीर का जो बलगम है, जो शरीर की खराब तत्व हैं, वो सब निकल गए। आप हाय हाय क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, हम उसको लेके सुख, वो नुकसानदेह हो गई। मान लिया हमने कि मैं बीमार हूँ, मान के बंध गए, मान मान के कर्ता बन गए, मान मान के भोक्ता बन गए। तुम हो ही नहीं कर्ता भोक्ता, फिर क्या मानो? इतिमे निश्चिता मति, क्या मानो तुम? बोले ये मानो कि स्वभाव निर्मला, मैं शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, मुझे में बीमारी नहीं है। मुझे में बीमारी है तो मैं कह रहा हूँ मैं बीमार हूँ। और दुनिया वाले बस जब भी आएंगे, स्वामी जी घुटना ठीक है आपका, मतलब वो याद दिला रहे हैं कि आप बीमार हो, थे नहीं, हो। आजकल कैसा चल रहा है स्वामी जी? जो आत्मा की बात तो पूछेगा नहीं, आपकी तबीयत कैसी है? जब वो पूछेगा तो हमारी चर्चा क्या हो, तो थोड़ा दिल को तसल्ली देने के लिए थोड़ा पेट में तकलीफ रहती है, बस अब बातचीत का एक बहाना मिल गया, अब आधे घंटे तक हमारी उसकी बातचीत हो जाएगी। हाँ, वहाँ अलीगढ़ में एक नेचुरोपैथी वाले हैं, उनके पास चलो तो फिर इलाज हो जाएगा। अब मान मान करके सब मान लेते हो, हम जीव हैं ये भी हमारी मान्यता है, आप जीव हो। जीव कैसे हो सकते हो? कौन हो आप? स्वभाव निर्मला शुद्धा, इतमे निश्चिता मति, ये निश्चित मत, इतमे निश्चिता मति, ऐसा दृढ़ निश्चय, डावा डोल होने नहीं। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परम शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं मुक्त हूँ। बद्धो अभिमान, हाँ, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्ध अभिमान्यपि किं वदन्ति सत्येयं या मति सा गतिर्भवे। इतमी बिल्कुल जैसा मान लो कि वैसे बन, मानना गड़बड़। पहले मान लो कि मैं पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ, तो बोले अब यज्ञ करो। यज्ञ करा, आहुति दिया, कलाव बांधा, तो तुम बड़े पुण्यात्मा। अब मान लिया हमने हाँ हाँ मैं पुण्यात्मा हूँ, पहले माना कि पापी हूँ, फिर करो कि अब गंगा जी नहाए तो हमारा पाप जल गया और मैं हो गया। अरे भैया, ना तुम पापी ना पुण्यात्मा, तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो। इतमे निश्चिता, कभी अपनी स्थिति से नीचे उतरना नहीं चाहिए, ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा है, ये है अपना अवधोत गीता दत्तात्रेय भगवान का। इतमे निश्चित, बहुत बढ़िया शब्द है, निश्चिता मति, ये मेरी मति का दृढ़ बोध है। और ये जितना कुछ है, महद आदि जगत सर्वम, सवेरे पूछा था महत्तत्व है ना, महत आदि जगत, ये जितना महत्तत्व अहंकार 5 महाभूत ये जितना कुछ भी है, ना किंचित प्रतिभाति भी, मुझको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। याद आया कौन सी स्थिति हुई? ना किंचित, हाँ मुझको कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। हाँ, समझ में आ जाना चाहिए तुरंत, क्या दिख रहा है आपको? ब्रह्म ही हो केवलम सर्वम, सब ब्रह्म ही तो है। तुमको दिखाई पड़ रहा होगा कि 5 महाभूत हैं, मुझको तो ब्रह्म दिखाई पड़ रहा है। जब सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो भेद कौन सा,
सजाति स्वगत विजाति भेद कहाँ से, वर्ण आश्रम का भेद कहाँ से, सब मिट गया, केवल अपना स्वरूप ही स्वरूप रह गया। अगला पढ़ते हैं। जानामि सर्वथा सर्वम्, जानामि सर्वथा सर्वम्, अहमेको निरंतरम्, अहमेको निरंतरम्, निरालंबम शून्यम च, निरालंबम शून्यम च, शून्यम व्योमादि पंचकम्, शून्यम व्योमादि पंचकम्। जानना है तो ये जानो, क्या दुनिया को जानना। लोग संसार में छोटी छोटी बातों को जानते हैं, ए सुन सुन उसके घर में वो आया है, अच्छा कहाँ से आया है, बोले पागल लोग, इसी में ज़िंदगी खपाना है भाई। गांव और शहर का बहुत बड़ा फर्क है, शहर में बगल के फ्लैट में कोई मर जावे पता ही नहीं लगता, कोई लेना देना नहीं। और गांव में एक घर में 50 घर का गांव होए और एक के घर पे मेहमान आ जावे, पूरे गांव को पता लग जाता था। हमारे गांव में तो पता लग जाता था, पूरे गांव को पता लग जाता था उसके घर पे मेहमान आए हैं। क्या आप लोग गांव के नहीं हो? दो चार आसपास गांव को पता चल जाता था। हाँ, अरे यहाँ तक कि वो साइकिल देख करके गांव वाले पहचानते थे। हाँ। और देख लिया वहाँ पर तो कहते हैं तुम्हारा मेहमान आ रहा है, वो खटिया उटिया बिछाओ। हाँ, ये भी कह देते थे, बता देते थे, मतलब हमार वो अपना नहीं दूसरे के मेहमान को वो पहचानते थे। हाँ, चाहे कैसा भी हो, लेकिन अब उसके यहाँ ये मेहमान आया, उसने ये उसके यहाँ ऐसी लड़ाई हो गई या उसके यहाँ ऐसा मारपीट हो गया, तुमको पता है उसके घर पे क्या हो गया? क्या जानना, जानना तो क्या, जानामि सर्वथा सर्वम् अहम् एकः। अगर जानना है तो ये जानो कि मैं एक तत्व हूँ, हमेशा हूँ, निरंतर हूँ, निरालंबम अशून्यम। हाँ, मेरा कोई आलंबन नहीं है, आधार आधे का संबंध नहीं, आश्रय आश्रित का संबंध नहीं, कोई मेरा आलंबन नहीं, मैं स्वयं अपना पर हूँ। हाँ, ना शून्य हूँ ना शून्य हूँ, कुछ भी नहीं, मैं तो सत्स्वरूप हूँ। अच्छा, समझ गया मैं, क्या समझ गए? हाँ, मैं ऐसा पुरुष हूँ, मैं ऐसा पुरुष हूँ, ये आज मैं ब्रह्म पुरुष हूँ। बोले मूर्ख, ब्रह्म पुरुष? आओ पढ़ो अगला। न संडो न पुमान स्त्री, न बोधो नैव कल्पना, सानंदो वा निरानंदम्, सानंदो वा निरानंदम्, आत्मानं मन्यसे कथम्, आत्मानं मन्यसे कथम्। ना संडह, मैं नपुंसक नहीं हूँ, ना पुमान, ना पुरुष नहीं हूँ, ना स्त्री, मैं स्त्री भी नहीं। ये तीन ही वचन होता था हमारे संस्कृत भाषा में ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वाह, तो जब हम कभी देवता बने होंगे, कभी दैत्य बने होंगे, सब रूप में गए 84 लाख योनियों में, कभी हम हाथी बने थे, कभी हम घोड़ा भी बने थे, कभी हम सम्राट भी बने होंगे 84 लाख योनियों में भटकते भटकते, तो क्या पता कभी हम तीसरे वाले में भी रहे हों, क्यों कोई ऐसा थोड़े कि नहीं थे। हाँ, 84 लाख न जाने कितनी बार हम आए इस जगत में। हाँ, चींटी भी बने तो हाथी भी बने, लेकिन इस समय ना मैं नपुंसक, ना पुरुष, ना स्त्री, ना बोधो नहीं वो कल्पना, ये कल्पना भी मेरी नहीं। अरे नहीं नहीं, आज बड़ा आनंद आया। बोले पागल, कौन सा आनंद? जो आनंद आया वो चला जाएगा, जो आनंद आएगा वो चला। आनंद आया सानंदो, आनंद आया तो आनंद तो हमको तभी आता है जो कोई बहुत अच्छा विचार आएगा, बढ़िया भाव आएगा, या बढ़िया वस्तु का भोग करेंगे, या तो बाहर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग करेंगे तब आनंद आया, नहीं मन में भाव अच्छे आए तब आनंद आया, या बुद्धि में कोई विचार अच्छा आया तब आनंद आया। मंत्र देखो क्या लिखा है, बोधो नैव, ये सब संकल्प विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, आनंद भी नहीं है।
और अच्छा खाली, बोले खाली भी नहीं हूँ, खाली भी नहीं। महाराज ये महात्मा लोग चुपचाप बैठे रहते तो कई दुनिया वाले सोचते महाराज आप बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते, क्या करते रहते सारा दिन पेड़ के नीचे बैठे, कमरे में बैठे हुए, झोपड़ी में अपने सारा दिन क्या करते रहते। बोले पागल तेरे पास ये विचार है कि मैं क्या करता रहता हूँ, मैं बोर नहीं हो रहा। अरे मेरे पास तो समय कम है, थोड़ा समय और होता तो और ध्यान कर लेता और भजन कर लेता। अरे महाराज आप इतना ध्यान कर लिए कि शरीर पर बांबी बन गई, दीमक ने घर बना लिया, अभी भी निरानंदा। जब आदमी खालीपन होता है भीतर तब भटकता है चारों तरफ, ना मैं निरानंद हूँ ना सानंद हूँ, अरे मैं सबका स्वरूप हूँ, मन से कथम। बहुत बढ़िया, अगला जो है वो थोड़ा सा कठिन है, इसलिए ये सत्संग हमारा आज यहीं पर विश्राम लेता है। ना आप पुरुष, ना पुल्लिंग खत्म, स्त्रीलिंग खत्म, नपुंसक लिंग खत्म, सारा व्याकरण खत्म, सारा व्याकरण खत्म। आपका पूरा का पूरा शरीर सबका सब ये माया जगत के अंतर्गत है। आप शुद्ध स्वरूप अपनी आत्मा हो, अपने आत्मा में रमण करो। इति अवधूत गीता। हम इसके बाद अब, अरे भाई 46 श्लोक पढ़ गया ना, 45-46 47, चलो कोई 47 किसी में होगा, कुछ 46 होगा, जितना पढ़ गए बहुत है। और आगे का बिल्कुल इसी भाव के साथ है, इसी भाव के साथ पूरा का पूरा अवधूत गीता है। अपने आप पढ़ते रहो, कभी कभी एक श्लोक पढ़ो, दो श्लोक पढ़ो, पढ़ करके और ध्यान करने बैठ जाओ उसी भाव के साथ में, उस श्लोक के साथ में ध्यान करो। हाँ ऐसा हमारे इस अवधूत गीता में एक श्लोक अपना पढ़ लिया, याद कर लिया, आँख बंद करके जो इसमें कहा गया ऐसा ऐसा मेरा स्वरूप है, महद आदि जितने पाँचों महाभूत हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं तो केवल विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ, ऐसा अपना ध्यान। ये सब ध्यान के लिए, निधिध्यासन के लिए है ये ग्रंथ, श्रवण मनन का ग्रंथ नहीं, ये निधिध्यासन का ग्रंथ है। तो सत्संग हमारा विश्राम लेता है, आपका साधना शिविर पूरी तरह से विश्राम लेता है। जहाँ जहाँ से जो जो देवता आए, सो सो देवता अपने अपने घर जाओ। अच्छा पुनरागमन आयचा, हाँ पढ़ते हैं पुनरागमन आयचा, ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।